ओम शांति। 141 से आदरणीय सूरज भाई जी का हम सभी स्वागत करेंगे। हम सभी का परम सौभाग्य है कि भोपाल जोन के सभी भाई बहनों के लिए आदरणीय भाई साहब इतना अमूल्य समय निकालकर हम सभी को भरपूर करने के लिए, हम सभी को प्यारे बाबा के ज्ञान रत्न लुटाने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप सभी हर प्रकार के परिचय से, भाई जी के परिचय से सभी भाई बहने परिचित हैं ही हैं। अच्छा, चलिए अभी अनुभवों की लेन देन के लिए हम सभी बैठे हुए हैं। आदरणीय भाई साहब, ओम शांति। ओम शांति। कल तो क्लास करेंगे तपस्या पर, आज मुझे एक बात ख्याल में आई अभी आते आते। इस अलौकिक जीवन की यात्रा को सुखद कैसे बनाएं? बहुत बड़ा त्याग है सभी का, संसार को छोड़ना, धन को छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती। किसको छोड़ना बड़ी बात है बोलो? सीधी बात बोलो ना, विकारों को। सबसे बड़ी बहादुरी भी वही है, सबसे बड़ी शक्तिशाली आत्मा की पहचान भी वही है। तो ये सब करने के बाद अगर जीवन की यात्रा सुखद न हो तो कैसा लगेगा? हमारी ये यात्रा बहुत सुखद हो, अब ये यात्रा अंत की तरफ आ रही है। अंत में जब दौड़ लगाने वाले दौड़ लगाते हैं तो अंत में पूरा जोड़ लगाते हैं ना, हमें भी पूरा जोड़ लगाना है। पता है अंत में पहुंच गए हम या नहीं पता? समय की गुह्यता को किसी मनुष्य के द्वारा नहीं जाना जा सकता, मेरे द्वारा भी नहीं। कैसे जाना जा सकता है भाई? लोग उत्तर देंगे जरा। नहीं, सूक्ष्म स्थिति के द्वारा ही समय की सूक्ष्मता को जाना जा सकता है, बाकी कोई नहीं जान सकता। बाबा तो कभी बताएंगे नहीं, बाबा ने डिक्लेयर कर दिया था, एक मिनट पहले भी कुछ नहीं बताया जाएगा। स्वयं को पहचानना है, समय को स्वयं पहचानना है। किसी ने प्रश्न किया आते आते, बाबा कहाँ कहाँ आए अव्यक्त, वो सुना दो जरा। इच्छा तो होती है जानने की। बाबा जब साकार में थे, थोड़ा सुना देता हूँ 5 मिनट में। 6:10 पर अपने रूम से निकलते थे दीदी मनमोहिनी के साथ, किचन से चक्कर लगाते। किचन ये नहीं जो अब है, किचन इधर ही था जहाँ टेलीफोन एक्सचेंज है ना, वे 2 कमरे किचन के थे। वहाँ से चक्कर लगाते हुए पीछे शांति स्तंभ भी नहीं था, ये जो बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं ये सब नहीं थी। क्लास में 6:15 पहुंच जाते थे, आते ही गेट पर खड़े होते थे, तब बाबा का चेहरा कुछ और होता था। कमरे से निकले तब का चेहरा और हॉल में गेट पर जाके खड़े हो गए तब का चेहरा, जबरदस्त अंतर। वहीं से सब पे एक दृष्टि डाल देते थे और मैं जो देखा था June '68 में, तब तो बाबा ब्रह्मा बाबा भी संपूर्ण बनने को थे, सारे हॉल में जैसे करंट फैल जाता था, बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस। 6:15 से बाबा बैठते थे योग करा के, मुरली 7:15 तक,
15 मिनट मुरली रिपीट और फिर बाबा आ जाते थे, 7:15 बाबा उठ जाते थे। अव्यक्त हुए बाबा तो पहली बार 21 जनवरी को आए उसी हॉल में, हिस्ट्री हॉल नाम रखा उसका, और तब से संख्या बढ़ने लगी। अब उसमें तो 100 125 ज्यादा 150 बैठते थे खींचतान के बाहर तक, संख्या बढ़ी 250 300 तो आंगन में आने लगे, 500 बढ़े तो आंगन में आते थे, टेंट लगता था, टेंट में प्रभु जी जो सबको सोने के महल देने वाले उनके लिए टेंट था। फिर सोचा तो ये बगीचा यहां तक था, बाबा का बगीचा यहां तक था, इधर ये पहाड़ी थी कपड़े सुखाने की, विचार हुआ यहाँ हॉल बनाया जाए। 74 शुरू से चालू हुआ, 73 में प्लानिंग हुई, बगीचा आधा लिया गया और आधी पहाड़ी हॉल बना। और सुंदर घटना ये है जो मुझे बहुत याद रहती है, हॉल में अभी फर्श नहीं पड़ा था, दीवारों पे केवल सीमेंट हुआ था, टीन की छत थी एंगल पे जो होती है, बाबा के लिए भी कुछ नहीं था, एक गद्दी लगा दी गई और प्रभु जी पधारे। हम सब जो नीचे बैठे तो नीचे से एक्यूप्रेशर हो रहा था क्योंकि कंकरे पड़ी हुई थी। और मुझे वो पहली एक दिन की मुरली भी सदा के लिए याद रहती है, 74 से। तो जैसे आज बिजली कड़क रही थी ना दिन में अगर कोई जगे हो तब, शाम को ऐसी बिजली कड़क रही, 6 बजे बाबा का आने का होता था उन दिनों। और जो एंगल थे ना वो दीवार से थोड़े ऊपर उठ के फिर गिरते थे तो रोशनी अंदर भी आ जाती थी, अंदर की लाइट चली जाती थी बीच बीच में और वो रोशनी अंदर आती थी। तो बाबा कहते थे देखो प्रकृति भी आज प्रकृति पति से आंख मिचौनी का खेल कर रही है, बारिश बहुत तेज हो रही थी। तब बाबा का एक महावाक्य चला बीच में ही जो मुझे सदा याद रहा है तब से, अगर तुम बाप से कंबाइंड रहो तो प्रकृति अगर विनाश करती हुई भी आ रही है तो तुमसे 1 फुट दूर ही रुक जाएगी। तब का महावाक्य 74 का, यहां आते रहे फिर ये बन गया, बाबा आते रहे यहां, फिर संख्या बढ़ी 1,000 1,500 2,000, 82 से हॉल बनना शुरू हुआ। ये पहाड़ी थी, भालू जैसे आ जाए वहां रोज आते थे, बड़े बड़े आते थे क्योंकि इसके पीछे भालुओं की जगह है, यहाँ बहुत पूरा जंगल खाली है उधर अधर देवी और ये पूरी रेंज चीते और भालुओं की है। अब तो लाइट वाइट होने से थोड़े दूर चले गए लेकिन पहले बहुत थे यहाँ। तो पहाड़ियां टूटी, खूब अच्छे सीन हम लोगों ने देखे क्योंकि हम सबको कार सेवा करनी होती थी, यज्ञ इतना संपन्न नहीं था तब, तो सभी को 2-2 घंटे दिन 2-2 घंटे शाम को कार सेवा, पत्थर उठाना सब काम कर देना। 83 में वो बन गया और ओपनिंग हुई, कॉन्फ्रेंसेज होने लगी, बहुत सेवा हुई 83 से और 95 तक बाबा यहाँ आते रहे। 2 प्रोग्राम नीचे किए, नीचे अपना शांतिवन में कुछ मकान नहीं था, जंगल था सारा, करीब 40 एकड़ जगह ली हुई थी, भोपाल भाई ने सब किया था, सस्ते में ली थी उन दिन, बहुत सस्ती जमीन थी वहां, छोटे टुकड़े ले लिए थे आदिवासियों से, उनको समझा बुझा के बड़ी ढंग से वो जमीन ली थी। तो जब बहुत डिमांड होने लगी तो 10-10 हजार के 2 ग्रुप नीचे बुलाए गए, टेंट लगे और बाबा टेंट में आए फिर से और सब लोग टेंट में रहे, बाथरूम्स भी टेंट के बने, किचन भी टेंट का, खाना भी टेंट का। तब हमारा ज्ञान सरोवर बना था तो हम ज्ञान सरोवर की सारी जो किचन की स्टीम सिस्टम है अभी लगी नहीं थी वहां, उसको नीचे ले गए, टेम्परेरी फिट कर दिया, खाना आराम से। 1 ग्रुप 10 हजार का, दूसरा 12 का आया, बढ़ने लगी। अब जब एक बार 10 हजार आ जाते हैं फिर वो कम नहीं हो सकते, ये संगम युग का खेल है।
तो हुआ वही नीचे कुछ किया जाए, फिर नीचे वो सब फटाफट शुरू हुआ, तब से बाबा नीचे आ रहे हैं। यान सरोवर में केवल एक बार आए थे ओपनिंग पर, उसके अलावा नहीं आए, क्योंकि वो तो छोटा होल है, 2000 मुश्किल से बैठ सकते हैं। तो ये कहानी बाबा की, और बाबा ने बहुत पालना दी 50 वर्ष, 49 ईयर्स। मैं तो कभी कभी याद किया करता हूँ कि मैंने इस जीवन में क्या क्या देखा। अगर मैं सोचने लगूँ तो मुझे योग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, मन मगन हो जाता है लंबे समय के लिए। वो सब कुछ देखा, चारों युगों में तो वो दिखता ही नहीं, पर शायद मेरे अलावा औरों को भी नहीं दिखता। हर एक का अलग अलग होता है ना, हर एक को दिखना अनुभव करना वो सब अलग अलग होता है। ज्ञान की गुह्यतम बातें बाबा ने सुनाई, शास्त्र जिसके आगे नीरस लगने लगे, सारा मनोविज्ञान अधूरा लगने लगे, संसार की सारी विद्याएं जहां फीकी लगने लगे, इतना जबरदस्त ज्ञान अव्यक्त मूल्यों के द्वारा मिला। बहुत बड़ी पालना हुई हम सबकी, थोड़ा समय नहीं लंबा समय ये सब हुआ। तो चलें अब जीवन की इस यात्रा को सुखद बनाना है, बनाना है सोच लो, हाँ या ना। हाँ तो सब करेंगे, लेकिन क्या सचमुच बनाना है सोचेंगे, सोच लेना। कल हम तपस्या, कल का टॉपिक है तपस्या, तो मैं अभी से आपको संकल्प देता हूं, क्या हम सचमुच तपस्या करना चाहते हैं? नहीं सोचना, उत्तर नहीं चाहिए मुझे। क्या सचमुच हम तपस्या करने के लिए कुछ त्याग करेंगे, और क्यों हम तपस्या करना चाहते हैं, क्या लक्ष्य है, क्यों, कल चर्चा करेंगे। जीवन की यात्रा को हमें सुखद बनाना है। मैं एक न्यूज सुना देना चाहता हूं आप सभी को। मैं तो 2015 से कह रहा हूं ये बात, 14 से ही WHO, भाई लोग नाम जानते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी सारे संसार की मेडिकल जो इलाज होते हैं ना, डॉक्टर्स, उनकी भी एक बड़ी संस्था बनी हुई है अमेरिका में, है ना। उसने अभी अभी डिक्लेयर कर दिया, 2 साल पहले डिक्लेयर किया था, कैंसर 2025 तक घर घर में पहुंच जाएगा, वो तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन अभी 1-2 मास पहले डिक्लेयर कर दिया, 2020 पूरा होते होते ये संसार, बहुत सारे लोग डिप्रेशन की चपेट में आ जाएंगे। मुझे तो इस बात का पहले से ही पता है ईश्वरीय महावाक्यों के आधार पे, और जो लोग मेरे से मिलने आते हैं उसके आधार पे। आज मैंने 16 ईमेल्स के उत्तर दिए, ईमेल आते हैं ना, उसमें से 12 डिप्रेशन के थे, और वो भी यंग लोगों के, बूढ़े 1-2, यंग। एक संकल्प जो आ गया वो आ ही रहा है, एक ने लिखा, उसकी बहन लिखा, मेरा भाई, बस उसको संकल्प आ गया मैं पागल हो जाऊंगा, और ये संकल्प हट नहीं रहा है। कोई समस्या नहीं है, संकल्प आ गया है मैं पागल हो जाऊंगा, और यही रिपीट हो रहा है। तो ये लक्षण है उसके पागल होने का जल्दी ही। तो बहुत सारे अनुभव, एक का आया, मैं आप सबको सावधान करना चाहता हूं, उसने अपने किसी रिलेटिव की मृत्यु देख ली, और वो इतना भयभीत हो गया कि उसको परेशानी हो गई, मेरे मरने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा, और इतना ही नहीं मरने की सोचने भी लगा, सुसाइड कर लूं जल्दी। देखो दो संकल्प अपोजिट, ये तेजी से बढ़ेगा। क्या हम सभी अपने को तैयार करेंगे ये सब कुछ देखने के लिए? सोचना है केवल। बाबा तैयारी कराया करते थे, ब्रह्मा बाबा बहुत शुरू में माताओं को बैठा देते थे योग में, कि देखो तुम्हारा सब परिवार मर गया है, डेड बॉडी पड़े हैं, अब देखो तुम्हारी स्थिति क्या है,
कोई माताएं रोने लगती थी, रोना तो सहज काम है ना, पर ये संसार तो खाली होगा ही ना, किसके लिए? और करेंगे कौन? करेंगे भी हम सब, और खाली भी ये हमारे लिए ही होगा। तो बहुत स्ट्रांग हमें होना है। मैं तो आप सभी को अभी लक्ष्य दे देता हूं, मैं तो इस चीज की तैयारी बहुत दिनों से की है और बहुतों को कहता हूं जो अच्छे पुरुषार्थी हैं कि अपने को तैयार करो, चाहे सब कुछ छोड़ दो 2020 के बाद 25 आते आते इस संसार में आधे लोग रात को सोएंगे नहीं, शुरू हो गया है, 20 से तेजी से बढ़ेगा। ऐसे बाबा को कुछ योगी और पूर्वज स्वमानधारी पवित्र आत्माएं चाहिए जो अपने घर बैठकर सबको सुला दें। ये कला बहुतों को तो पता ही नहीं मैंने क्या कह दिया, सुना माताओं ने, जो एक जगह बैठकर अपने कमरे में, भोपाल में एक कमरे में बैठकर जो जग रहे हैं रात को, उन सबको सुला दें। सोच सकते हैं इसके लिए क्या चाहिए। ऐसा समय आएगा, समय की ये डिमांड होगी, हमारे ये कर्तव्य हमें पुकारेंगे, हमें भी नहीं सोने देंगे, सोने नहीं देंगे, तुम भी जगो, तुम्हारी वंशावली जग रही है, या तो उन्हें सुलाओ तब सो, नहीं तो तुम भी जगो, होगा या नहीं? माँ बाप के चार बच्चे न सो रहे हो, माँ सोएगी? खुद भी नहीं सोएगी, सोने न देंगे वो तो अलग बात, पर खुद भी नहीं सोएगी। ये स्थिति आने वाली है, तो क्या करेंगे? जीवन की इस यात्रा को सुंदर बनाने के लिए अपने को बहुत हल्का कर दें सभी, और अपने अपने घरों में जहां भी आप रहते हैं, सेंटर सेंटर में माहौल हल्का करें। और दूसरा, बहुत खुशी का, खुद भी खुश, माहौल भी खुशनुमा, क्योंकि जो खुश होंगे उन्हें मानसिक रोग नहीं होंगे। ये दो शर्तें हैं, हल्के रहने वाले और खुश रहने वाले मानसिक रोगों से मुक्त, वो दूसरों को मदद करेंगे। कैसे रहेंगे हल्के? बोलो, हल्के रहना है, कलयुग में हल्का रहना सबसे भारी काम है, हल्का रहना ही भारी काम है। बातें, परिस्थिति, परिवार की, बच्चों की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, और नहीं तो मोबाइल ने बहुतों को बिगाड़ दिया है, वो भारी रहती हैं माताएं भी भाई भी। कैसे हल्के होंगे? ठीक बोल रही है आप, पॉइंट तो, आत्मा भी लाइट और शरीर भी लाइट, ये प्रैक्टिस बहुत करेंगे। लेकिन मैं आपको एक दूसरी बहुत प्रैक्टिकल चीज, अपने मन के सारे बोझ बाबा को अर्पित करने की प्रैक्टिस, ये हमारी नेचर हो जाए। इसमें हमें बहुत विश्वास की जरूरत है, बाबा को संपूर्ण रूप से जानने की जरूरत है। और इसमें मैं एक महावाक्य सदा सुनाया करता हूं, मैंने उसी के आधार पे ये बहुत प्रैक्टिस की, मेरा चित बिल्कुल लाइट रहने लगा। बहुत सालों से मुझे याद ही नहीं, बहुत सालों से मेरा मन कभी भारी हुआ हो, 37 साल हो गए हों, और बाबा की ये बात मैंने पक्की कर दी थी, जो बाप सारे संसार का बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? बहुत सुंदर बात है, समझने की है बस। वो हमें कितना प्यार करता है, हम में तो बहुत कम है, उसमें हमारे लिए कितना अपनापन है।
हम लोगों का हाल तो आजकल के बच्चों जैसा है, माँ बाप बच्चों के लिए मर मिटे और बच्चे कह देते तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया। कह देते हैं नहीं आपके बच्चे, कह के नाराज हो जाते हैं। बाबा हमारे लिए बहुत कुछ करता है, सारे बोझ हरने के लिए तैयार है, लेकिन हम गठरी छोड़े ही नहीं तो वो क्या करेगा। अब उतारें बोझ लेकर यात्रा पर तेज नहीं चला जा सकता, वो अलग बात है कि हम फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास करें तो छोटी बातें मन को भारी नहीं करेंगी। इस जीवन में सभी अपना नियम बना दें, बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं। नियम बना दें, सोचेंगे नहीं ज्यादा। बाबा के बहुत अच्छे शब्द हैं, मुरली आपने सुनी होगी, संडे दो तीन संडे पहले, तुम इस सृष्टि के दादे परदादे हो। लगा आपको ये बात कि ठीक कह रहा प्रभु जी, या ऐसे ही हमें चला रहा है। हैं दादे परदादे, कौन कौन है जरा मैं भी दर्शन करूं। अच्छा हैं, बहुत बैठे इधर। तो बाबा की सुंदर बात नोट डाउन करें, लिख लो जो लिख रहे हैं, प्रैक्टिस करनी है। क्लास सुनने और सुनाने की अच्छी अच्छी, हाँ बहुत अच्छी, ये कहने से काम नहीं चलेगा। बातें बड़ी नहीं हैं, बड़े तो तुम हो। लिख दो कहीं जहां आप सोते हैं ना, सामने दीवार पर। बातें बड़ी नहीं हैं, बड़े तो तुम हो। हल्का हो जाएगा सब कुछ। हमारे संकल्पों से ही बड़ी बातें छोटी हो जाएंगी। आप सब ये करने लगो, ये कुछ नहीं है, ये तो गई की गई, देखना इफेक्ट। ये दो बहुत सुंदर सिद्धांत जीवन के। हम छोटी बातों में सोच सोच कर परेशान नहीं होंगे, वो छोटी हैं, और बड़े हम हैं, बातें या समस्याएं बड़ी नहीं हैं। देखो कोई व्यक्ति बड़ा काम करेगा तो उसके सामने बड़ी बातें आएंगी या नहीं। आपको बड़ा कंपटीशन देना आईएएस आईपीएस का, तो पेपर हाई स्कूल वाला आएगा क्या, टफ आएगा ना। कई लाख बच्चे बैठेंगे, उनमें से 4, 4.5, 500 चुने जाएंगे, तो हल्का पेपर थोड़ा ही होगा। अब हमें बड़ी प्राप्ति करनी है तो पेपर, आवाज निकली नहीं। सोच रहे छोटा पेपर दे के पास हो जाए, क्या जरूरत। कई सोचते हैं क्या जरूरत पड़ी पेपर वेपर देने की, जो मिलेगा ठीक है। बात भविष्य में मिलने की नहीं है, बात वर्तमान की है। विघ्न आ रहे हैं और ये बढ़ते जाएंगे, हमें विघ्न विनाशक बनना ही पड़ेगा। अपने ही नहीं औरों के भी विघ्न हरने होंगे, इसलिए अपने को इतना शक्तिशाली बनाना पड़ेगा कि हम संकल्पों से दृष्टि से दूसरों के विघ्नों को समाप्त कर दें। समय को पहचाने सभी, अपने लेवल को बहुत ऊंचा उठाना है ताकि हमसे फ्लो होता रहे सारे संसार में, फैलता रहे हमारा प्रकाश, हमारी शक्तियां, हमारी प्योरिटी, हमारे सुंदर विचारों के वाइब्रेशंस। उठाना है अपने लेवल को ऊंचा, उठाना है या नहीं। जीवन का सिद्धांत बना लें, बड़े काम करने हैं तो सुनना पड़ेगा ही, पड़ेगा या नहीं। प्राइम मिनिस्टर को कितने लोग गाली देते हैं, सुनते हैं ना, मुस्कुराते हैं, क्योंकि बड़े काम करने हैं, दुनिया से हटकर काम करने हैं। उनको पता था नोटबंदी करेंगे तो गालियां मिलेंगी, क्या उन्हें नहीं पता था, उनके पास इतनी बुद्धि नहीं है क्या। सब अपोजिशन हो जाएगा हमारा, विरोधियों को बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन किया उन्होंने,
तो बड़े काम करने के लिए बड़े विचार, सुनने की शक्ति, ग्लानी सुनने की शक्ति। बाबा ने कम सुनी, सारा संसार एक तरफ था, ब्रह्मा बाबा अकेला एक तरफ। तब तो साथी भी नहीं थे ना, अब तो हमारे सब साथी हैं, तब तो कोई नहीं था, वो अकेला था। औरों को भी उसको ही संभालना है, गाली भी सुननी है, उनको उत्तर भी देना है, अपने संगठन को पावरफुल रखना है। कितनी बड़ी पावर होगी बाबा के पास, ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं हम। उन्होंने भी सब कुछ सुना, ऐसा नहीं ब्रह्मा बाबा को कोई सुनाते नहीं थे, खूब सहन करना पड़ता था मामा बाबा को भी। कोई ना कोई बच्चे ऐसे आ जाते थे जो उनकी परीक्षा लेंगे, परीक्षा तो उन्हें भी देनी पड़ेगी, हाई स्टेटस तो उनका है, तो परीक्षाएं उन्हें भी देनी पड़ी खूब अच्छी तरह, बीमारियों की भी देनी पड़ी। तो बड़े काम करने हैं तो बड़े विचार, इसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया। फीलिंग वाले, छोटे विचारों वाले, छोटे मन वाले बड़े काम नहीं कर सकते, इसलिए अपने को ऊंचा उठाना है। हमारी शुभ भावनाएं, नेक्स्ट पॉइंट, जीवन की यात्रा को सुखी बनाने के लिए हमारी शुभ भावनाएं चारों ओर सुंदर वाइब्रेशंस फैलाएगी, रास्ता हमारा क्लियर होता जाएगा, रास्ते के कांटे हटते जाएंगे। सिद्धांत बना लें अपने जीवन का, हमें मित्रों की संख्या बढ़ानी है, शत्रुओं की घटानी है। कई लोगों का व्यवहार ऐसा होता है, बोल ऐसे होते हैं, शत्रु बढ़ते जाते हैं, मित्र जीरो पे आ जाते हैं, जो भी संपर्क में आएगा हट जाएगा दूर। ठीक है, फ्रेंड बनाने हैं, और फ्रेंड कैसे बनते हैं, अच्छे व्यवहार से। इतना याद रखेंगे, अच्छा व्यवहार, अच्छे बोल, मदद करने का संस्कार, सुख देने का संस्कार। एक चिंतन के लिए छोटी सी बात दे रहा हूं आपको, किसी के आने से लोग खुश होते हैं और किसी के जाने से। हर एक पूछ ले मेरा क्या हाल है, अपने से पूछना है। मैं कहीं जाऊं तो लोग खुश होंगे या सोचेंगे आ तो गई पर अब जल्दी विदाई ले, या कहेंगे कि यहीं रह जाए एक हफ्ता, जल्दी न जाएं। किनको कहेंगे ऐसा, दूसरों को तो अच्छा सब देखना चाहते हैं, जो खूब खूब बुरा है ना दुनिया में वो भी अच्छों की तलाश करता है, पर हम अच्छे बन जाएं तो कईयों की तलाश नहीं पूरी हो जाएगी, हो जाएगी या नहीं। तो हम अच्छे बन जाएं, पर हमें पता होना चाहिए कि अच्छे हमें किस में बनना है। बहुत पुरुषार्थियों को ये पता नहीं है कि उन्हें स्वयं में परिवर्तन कहाँ करना है, किस बात में करना है। कड़वे बोल बोलते रहते हैं, दूसरों के दिल को दुखाते हैं और उन्हें पता नहीं होता, शिकायत फिर भी दूसरों को करते हैं, ये मुझे बहुत तंग करते हैं। हमारे संगठनों में तो ऐसे लोग हमें मिलते हैं ना, हमारे पास शिकायत लेके आते हैं, वो व्यक्ति मुझे बहुत तंग करता है और वो उसकी शिकायत पहले ही कर गया था, ये बहुत तंग करता है हमें। अपने को पहचान लें, मुझे अपनी किस बात को बदलना है। दो चार चीजें ध्यान में लें, चिंतन करेंगे, अभी चेक कर लें अपने को, मेरा बोलने का तरीका सुखदाई है, इंपॉर्टेंट चीज, या मेरे क्रोध के बोल परिवार में भारीपन ला देते हैं, प्रेशर का माहौल बनाए हुए हैं। प्योरिटी की भी अपनी चेकिंग करनी है, मेरे संस्कार, अब अपने को देखना है, मेरे संस्कार मिलनसार के हैं या दूसरे।
सास बहू के झगड़े तो प्रसिद्ध है ना। अभी मैं आ रहा था तो एक फोन ही आ गया, मेरी मिसेज और मेरी पुत्र वधु दोनों की बनती नहीं है, लड़का तंग हो गया है, माँ का फेवर ले तो पत्नी नाराज, मैं तो चली अपने घर, और उसका ले तो बेचारी माँ उदास। तो ये भाई ज्ञान में, अकेला ज्ञान में, अब उसकी दुविधा आप देखो, कहा दोनों की बनती नहीं। मैंने उसे पूछा उन दोनों में समझदार कौन है, कहा समझदार तो दोनों ही हैं। मैंने कहा नहीं, दोनों समझदार होती तो लड़ते नहीं। इसकी भी एक कहानी सुना देता हूं। शांतिवन में एक युगल मेरे से मिलने आया, मुझे भी जल्दी थी, बैठते ही कहा हम दोनों बहुत लड़ते हैं, आप ही का सीधा सीधा प्रश्न, लेकिन हम ज्ञान में हैं, हमें इच्छा होती है अब ये संघर्ष खत्म हो। मैंने पूछा क्वालिफिकेशन, दोनों ही एमए एमफिल किया हुआ है, दोनों ही लेक्चरर हैं, वाह दोनों ही बुद्धिमान हैं आप। मैंने पूछा दोनों में से कौन बुद्धिमान है, मैंने पूछा तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। मैंने कहा ठीक है दोनों ही बुद्धिमान हो। फिर मैंने पूछा दोनों में समझदार कौन है, तो बहन जी ने तुरंत उत्तर दिया मैं हूं। भाई अपेक्षा तो यही है, बहनों को ही समझदार होना चाहिए। मैं हूं समझदार, तो मैंने कहा कि जो समझदार है, बस आप समझदार हो ना, आप झुक जाओ, आप अपने ईगो को छोड़ दो, झगड़े खत्म हो गए खत्म। समझदारी यही है। इनसे मैंने पूछा बहू समझदार है या सास, तो फिर उसने कहा नहीं बहू मेरी बात मान सकती है, वो पढ़ी लिखी है, समझदार है थोड़ी। मैंने कहा तो उसको सिखा देना कि सास जब कुछ बोले थोड़ा सा चुप रहना सीख ले, सहन कर ले, 5-7 दिन करेगी झगड़े खत्म हो जाएंगे, शुरू करेंगे अब। तो हम सभी को जहां भी सास बहू के यहां भी झगड़े हों, कहीं कहीं दोनों ही ज्ञान में फिर भी झगड़ती हैं, क्यों? बाबा ने इन सब के बहुत अच्छे उत्तर दिए हैं। मैं राइट हूं, दोनों पक्ष यही मान रहे हैं। हो सकता है एक राइट हो एक गलत हो, और अपनी अपनी विवेक से दोनों ही अपने को राइट मान रहे हो, पर एक को तो झुकना पड़ेगा ही। बस वही है जो अपने को बुद्धिमान समझदार माने, वो थोड़ा परिवारों की शांति के लिए, संबंधों में खुशहाली के लिए झुके। मैं आपको एक बहुत सुंदर चिंतन दे रहा हूं, अपने से पूछेंगे सभी, संबंध बड़े हैं या मेरा स्वार्थ? सोच लेना, संबंध बड़े हैं या मेरा ईगो, ईगो माना अहम, संबंध बड़े हैं या धन बड़ा है? कई लोग धन के पीछे संबंधों को तोड़ रहे हैं, कई लोग अहम के पीछे संबंध तोड़। आजकल जो डिवोर्स के केस हो रहे हैं, जो तलाक बहुत चल रहा है, उसका कारण अहम। हमारी एजुकेशन ने डिग्रियां तो बहुत दे दी, पर नम्र नहीं बनाया विद्यार्थियों को, अहम बढ़ा दिया, इसलिए नई शादियां बहुत टूट रही हैं। मेरे पास पीछे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के एक वकील आए, एक वकील अभी आए थे पिछली कॉन्फ्रेंस में, वो तो इतना प्रभावित हो गया, कहता बस मेरे तो थोड़ा सा समय रहा है, मैं तो यहीं आके रहूंगा। पति पत्नी दोनों वकील थे सुप्रीम कोर्ट के, बहुत ज्यादा खुश। तो मैंने उससे पूछा आजकल सबसे ज्यादा केस कौन से आ रहे हैं, कहा डिवोर्स तलाक के। मैंने कहा आजकल तो कंप्यूटर का युग है, अंदाजा है कितने आ गए हैं, कहा बिल्कुल है 56 लाख। फैसला उनका कब होगा सोच लो, वकील लोग पैसा कमाते रहेंगे,
टेंशन रहेगी दोनों तरफ परिवारों में। कारण एक ही है, झुकना कोई नहीं चाहता। माताएं अपनी कन्याओं को ये संस्कार दें, संबंध महत्वपूर्ण है। तुम्हें जिसके साथ जीवन गुजारना है, उसके साथ कैसे चलना है, ये माताओं को सिखाना। ये डिग्रियां नहीं सिखाएंगी। स्वीकार है माताओं को? पहले तो सिखाते थे ना, मुझे अनुभव नहीं, पर माताएं बताती हैं। पहले शादियां होती थी तो कन्याओं को अच्छी ट्रेनिंग देती थी। कई माँ बाप ने तो ये कह दिया, वही तुम्हारा घर है, भूल से भी इधर ना आ जाना। वैसे मिलने आना वो अलग बात है, पर तुम सोचो छोड़ के आ जाऊं, ये अब तुम्हारा घर नहीं है। आखिर मरी, कुछ भी किया वहीं रही, जीवन सफल हो गया। और जो माँ कह देती है मेरा द्वार खुला हुआ है, कुछ भी हो जाए तो भागाना, वो तो भागने की सोचेगी। माताओं को सावधान होना है। और मोबाइल ने खेल और बिगाड़ दिया। भाई लोग खुश हो रहे हैं, मोबाइल ने खेल और बिगाड़ दिया है। मैं देखो खुला खुली बात कर रहा हूं, कर दूं? लड़की की शादी हुई है, अब माँ रोज मोबाइल पे सारा समाचार लेती है, बात कर रही है। क्या कर रही हो बेटी? खाना बना रही हूं। सास कहाँ है? वो टीवी देख रही है। अच्छा, सारा काम तुम्हें ही छोड़ दिया, तुम भी बैठो, काम छोड़ो, टीवी देखो, उसको को काम तुम करो। आज झगड़े शुरू करा दिए। बोलो माताएं ये करती हैं या नहीं? यही कर रही हैं आजकल। इस मोबाइल ने सुख भी बहुत दिया। मुझे तो माताएं बताती हैं, मैं थोड़ा ही किसी के घर में जाके पूछता हूं। सास बताती है कि हमारी बहू को उसकी माँ कैसे बिगाड़ती है रोज, वो भी सारी रिपोर्ट उसको देती है, वो गाइडलाइन माँ से मिलती है। अब कहाँ लड़ाई करनी, कहाँ क्या कहना है, उसकी माँ सिखाती है। माताएं चाहें तो घर घर को स्वर्ग बना सकती हैं। समझ लें सभी माताएं, जब आपने अपने बच्चों की शादी कर दी तो जहां उन्हें रहना है वहां रहना सिखा दो। ये समझदारी है या नहीं? स्वीकार है माताओं को? फिर पूछता हूं, मैं गलत तो नहीं कह रहा? चलो योग कर लो, 10 मिनट और 15 मिनट क्लास करेंगे। ये जीवन बहुत महत्व का है, जन्म जन्म का भाग्य बनाया जा सकता है। जन्म जन्म के लिए जैसी बुद्धि चाहिए निर्माण हो सकती है। हर जन्म में हमारे विचार महान रहें, बीज यहाँ डाल सकते हैं, प्रभु मिलन के सुखों से स्वयं को तृप्त कर सकते हैं। ठीक है ये बात या नहीं? सोचेंगे हर एक को रोज, रोज नहीं तो हफ्ते में 2-3 बार एकांत में अपने से बातें अवश्य करनी चाहिए। बाबा हमें सब कुछ देने आया है, मुझे उससे क्या क्या लेना है? इतना ले लेना है कि आने वाले समय में सबको बांटते रहें। आज कहा ना, ज्ञान सागर को हप कर लेते हो तुम, तो केवल ज्ञान सागर को ही नहीं, प्यार के सागर को भी हप कर लें। सर्वशक्तिमान की शक्तियों को भी हप कर लें। शांति के सागर की सारी शांति को भी अपने में समा लें, ताकि बांट सकें। और जो इस समय बांटेंगे द्वापर से भी वो क्या करेंगे? बांटते रहेंगे। और देने का सुख बहुत बड़ा होता है। लेना तो सब चाहते हैं, पर कुछ महान आत्माएं संसार में सदा ही ऐसी रहेंगी जो देंगी सबको। राजाएं भी कुछ ऐसे होंगे जो देंगे। हर्षवर्धन का नाम सुना होगा, सम्राट, बहुत प्रसिद्ध, उज्जैन का ही था। हर 5 साल में वो अपना सारा खजाना दान कर देता था। देखो अब
ये तो द्वापर के भी अंत के है ना, कलयुग के राजा सम्राट, सारा खजाना दान कर देता था। ऐसे महान पुरुष द्वापर से भी संसार में होते रहेंगे। और वो कहाँ है आजकल? वो ब्राह्मणों में हैं, वो इधर ही हैं, वो संस्कार यही विकसित कर रहे हैं, वही संस्कार। तो हमारे वर्तमान के संस्कार जन्म जन्म चलेंगे। हम कितना दूसरों को सुख देना चाहते हैं, सुख देने के संस्कार हैं, ये दातापन का संस्कार है। हमें इस बात को भी पक्का करना है आने वाले समय के लिए, दुख लेने की आदत ना हो, नहीं तो दुख बहुत ले लेंगे। अपना दुख नहीं होगा, ले लेंगे, कष्ट हो जाएगा, स्थिति बिगड़ जाएगी। अपने को सेंसिटिव नहीं बनाना, सेंसिटिव माना नाजुक, कि दूसरों का दुख लेने लगे तो सभी चिंतन करेंगे। ये जीवन अनमोल वरदान में भी था शायद कली, अपने जिस जीवन के महत्व को जानकर। तो ये जीवन अति अनमोल, इसमें जो कुछ पाया जा सकता है वो अद्भुत है, अनुपम है, अतुलनीय, हमें पाना है। इसलिए ये जीवन पर चिंतन में न बीते, दूसरों को देखने में न बीते, पुण्य कर्म करते हुए बीते। सब चिंतन करेंगे, ये खुद को खुद ट्रेनिंग देनी है। इसमें किसी दूसरे के कहने से काम नहीं चलेगा, खुद अपने को मोटिवेट करो, अपने को प्रेरित करें रोज सभी, अपने को इस तरह के सुंदर संकल्प दें, थोड़ा समय रह गया अब मुझे क्या क्या नहीं करना है और क्या क्या करना है। ऐसे ना हो जब हम बाबा के पास जाएं तो सिर झुकाते हुए जाएं, हमें जाना है सिर उठाकर वही जाएंगे जिन्होंने सर्व खजानों से स्वयं को भरपूर किया होगा। और जो इधर उधर भटक गए, बहुत लोग राह भटक रहे हैं। ब्राह्मण बहुत लोग संशय में, पिछले 3-4 सालों में 1 लाख तो गए होंगे बाबा के बच्चे संशय, कोई माया में, कोई बहनों से लड़कर, कोई आपस में लड़कर चले गए। सोचा हम बहुत समझदारी का काम कर रहे हैं, पता चलेगा कौन समझदार था। निश्चय की परीक्षा में फेल हो गए, बाबा को पहचाना नहीं। और ऐसे भी जाने वाले हैं, ये बाबा ने बताया हुआ है, क्योंकि बाबा छटाई भी करेगा। जैसे बेगरी पार्ट, पता क्यों आया था बेगरी पार्ट? छटाई के लिए, कच्ची ईंटें निकल जाएं पहले, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब भी प्रत्यक्षता से पहले छटाई हो रही है। स्ट्रांग आत्माएं, दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ने वाली आत्माएं अब आगे चलेंगी। जय जयकार का समय बिल्कुल समीप आ रहा है। मुझे तो पूरा अंदाज है कि 2020 पूरा होते होते स्थापना का खेल भी नया रंग ले लेगा, सेवाओं की सुनामी शुरू हो जाएगी। आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, हजारों लोग आने लगेंगे हर सेंटर में, उन्हें संभालना, उन्हें ज्ञान ढंग से देना, उन्हें अच्छे सहज भाव से योग सिखा देना, उन्हें अपने खजानों से शांति दे देना, सुखों का मार्ग दिखा देना, ये सेवा चलेगी। और फिर लाखों आने लगेंगे और मधुवन क्या बन जाएगा? महान तीर्थ जो लिखा हुआ है, बस उसका समय अब नजदीक है जब सारे संसार के लोग यहीं आया करेंगे। नीचे से ऊपर बस कार तो आएंगी नहीं, पैदल ही चलेंगे सब, झंडे लेकर, जैसे भगत चलते हैं ना, झंडे लेकर सब पैदल यात्रा करेंगे। तो सुंदर समय आ रहा है, विनाश का समय भी, लेकिन जय जय
कार का समय भी उसके लिए ही बाबा कहते थे, तुम अपने महत्व को अभी नहीं जानते, तब तुम्हारी समझ में आएगा हम कितने महान हैं, हम कौन हैं, हमें कितना अच्छा अवसर मिला है पूरे कल्प में। अब लास्ट बात मैं भी क्लोज करता हूं, हम कल्प की क्लोजिंग कर रहे हैं, क्लोजिंग माताएं भी समझ लें सब, क्लोजिंग माना समाप्ति, क्लोजिंग सेरेमनी करते हैं, क्लोजिंग फंक्शन करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो लास्ट जो सेशन होता है उसको सेशन कहते हैं, क्लास आजकल वैलिडिक्ट्री कहते हैं, समाप्ति समारोह क्लोजिंग, हम कल्प की क्लोजिंग कर रहे हैं। कैसे करेंगे सोच लो, बिगनिंग और क्लोजिंग अब साथ साथ होंगी, इधर क्लोजिंग उधर बिगनिंग, इधर समाप्ति उधर शुरुआत। तो ये डिपेंड करेगा रोज सवेरे कैसे बिगनिंग करते हैं और सोने के समय क्लोजिंग कैसे करते हैं। बोझ लेकर सोते हैं, सारे दिन के संकल्प चिंताएं परेशानियां लेकर सोते हैं, या सारे बोझ बाबा को अर्पित करके नए संकल्प नए स्वमान नए अनुभव लेकर सोते हैं। तो क्या करेंगे, उठेंगे कल मुस्कुराते हुए, क्या सोचकर मुस्कुराएंगे, वाह मेरा भाग्य भगवान सामने है, उसकी कर्म भूमि पर सोए जगे अब, उठते ही प्रभु मिलन, उसे गुड मॉर्निंग करना और सच्चे मन से शुक्रिया करना, तुमने हमारा सोया हुआ भाग्य जगा दिया, तुम हमारे लिए सब कुछ लेकर आए हो, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उठना भी मुस्कुराते हुए और सोना भी मुस्कुराते हुए, तो भाग्य मुस्कुराएगा, जीवन मुस्कुराएगा, जीवन की यात्रा आनंदकारी हो जाएगी। अब शुरू कर दो, मैंने बहुत सारी बातें बता दी, सारी तो आपको याद भी नहीं रहेंगी, इनमें से दो तीन पकड़ लेना, उसको लेकर जीवन की यात्रा पे चलना, विशेष रूप से बोझ सब ऊपर नीचे नहीं, साथी बना लो उसको। कल फिर हम तपस्या पे चर्चा करेंगे और सब सोच लेना, अपने से पूछना, क्या मैं सचमुच तपस्या करना चाहता हूं चाहती हूं और क्यों। ओम शांति।